अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिमाग भी शायद ये कहेगा कि क्या अब इन लोगों पर PFI की तरह कार्रवाई होगी। जी हाँ, क्या है, कर्नाटक से ये खबर आ रही है। कर्नाटक में गांधी जयंती के मौके पर नारे लगाए गए और भाषणबाजी की गई कि हर हिंदू घर में हथियार हो, हर हिंदू घर में हथियार हो, नारे लगे, भाषणबाजी की गई और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर हिंदू घर में हथियार हो, ऐसे नारे और ऐसी भाषणबाजियां हुई। कर्नाटक में गांधी जयंती के मौके पर भगवा आतंकियों ने इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, नारे लगाए और 10,000 के करीब लोगों की रैली निकाली गई, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई और रैली में तलवारें भी लहराई गई। तो अब सीधा सवाल आंटियों से, जो गोदी मीडिया की आंटियां हैं, जो पटर 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 करते रहती है या चिल्लाती और भोंकती रहती है, अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये गोदी मीडिया की आंटियां अब भोंकेंगी, चिल्लाएंगी कि इन पर भी PFI की तरह पाबंदी लगाई जाए। जी हाँ, आइए थोड़ी सी आप इस खबर को सुन लीजिए। गांधी जयंती पर हिंदू जागरणा वेदी के, ये कोई तंजीम है वहाँ की संगठना, इसके तहत 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें तलवारें और भगवा झंडे लहराए गए, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे। ये रैली कर्नाटक के उडुपी शहर की सड़कों पर निकाली गई और रैली के दौरान हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के नारे लगाए गए। दी न्यूज़ मिनट के मुताबिक कर्नाटक के वजीर बराए कन्नड़ और सकाफत सुनील कुमार और उडुपी के MLA रघुपति भट्ट और कांग्रेस के साबिक लीडर जो अभी अभी BJP में शामिल हुए हैं, वो भी उसमें शामिल थे, उस रैली में शरीक थे। इनके अलावा और भी कुछ MLA वगैरह और जिम्मेदारान इस रैली में शरीक थे। 10,000 से ज़्यादा लोगों की ये रैली थी और इस रैली में ये बातें कही गई कि हर हिंदू घर में हथियार हो और नारे लगाए गए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अब सीधा भारत के अच्छे सच्चे हिंदू भी सवाल कर रहे हैं, क्या हुकूमत इन आतंकियों पर जो ऐसा आतंक फैला रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत इन गुंडों पर, इन आतंकियों पर जो खुलेआम रैली में तलवारें लहरा रहे हैं और ऐसे नारे लगा रहे हैं, तो क्या इन पर हुकूमत PFI की तरह बैन लाएगी और क्या मोदी जी के मन में बात आएगी कि इन आतंकियों के खिलाफ कुछ बोले। सीधा जनता ऐसा सवाल हुकूमत से भी कर रही है और चैनलों पर भोंकने वाले एंकर और एंकराओं से भी कर रही है कि क्या अब आप ऐसा भोंकोगे जैसा दूसरों पर भोंकते हैं।